हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड. तो आप भी ये वीडियो स्प्रेड कीजिए, शेयर कीजिए, टेक अ लिटिल स्टेप टुवर्ड्स अवेयरनेस. ऑल्सो लाइक, कमेंट, शेयर दिस वीडियो. आई गाइस because I Onki aka Ankita Babu, we want to ask some basic interesting questions to my lovely Indian audience, and it's based on Amazon Fodder. It's a global issue and awareness is very important, I guess, and I hope jinko bhi nahi pata hoga after this video they sure get to know about this and unko ek chota sa message zarur mil jaye. So guys, let's go. I'm really excited, so let's go. अमेजन फॉरेस्ट में जो चीज हो रही है ना, मतलब दुख भरी है. जंगल में आग लगी है तो उसको तो बुझाने के लिए कोई ना कोई उपाय करनी पड़ेगी सरकार को. मैं ऐसी गलती नहीं कर सकता हूँ. हीमोग्लोबिन में काफी घट पड़ा है इसका. सोनू सोनू भरोसा कहीं नहीं के. कहाँ के रहने वाले? मथुरा. मथुरा? वाओ. नहीं मेरे को कुछ नहीं पता. फेसबुक? अभी फेसबुक चला रहे भैया, आपको कुछ नहीं पता? मेरे को तारे जमीन पर कुछ नहीं पता. बुझाना चाहिए, पूरा संसार को मिलकर बुझाना चाहिए. पर्यावरण के लिए तो अच्छा है. मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है. नहीं अभी तो नहीं पता मुझे इस बारे में. नहीं ऐसा तो नहीं, मुझे नॉलेज नहीं. थोड़ा बहुत पता है जो मुझे नहीं पता. हम तो नहीं है. आपको किसी को नहीं पता? ये आग शायद मारुति. अरे स्टार्टेड इन ब्राजील एंड लाइक पीपल वर नॉट अवेयर, इवन लाइक द प्राइम मिनिस्टर एंड एवरी वन लाइक दे डिडंट इवन लाइक पुट इट इन द लाइम लाइट. नहीं पता. थोड़ा सा नहीं पता. पहले में जाके पबजी खेल के आ रहा था. अरे पबजी नहीं तो बेटा नॉलेज नहीं उसको. अच्छा न्यूज न्यूज नहीं देखता? फेसबुक कुछ कहीं? नहीं. अमेज़न फॉरेस्ट तो वैसे 2% 20% ऑक्सीजन देता है हमारे एनवायरनमेंट को, लेकिन अभी जो उसमें लेकिन उसमें जो भी फायर लगी हुई है उसमें अधिकतर हमारा भी आता है, क्योंकि जो पॉल्यूशन फैला रहे हैं उसकी वजह से, बढ़ते टेम्परेचर की वजह से फॉरेस्ट में अपना फायर लग रही है. तो अब बुझाना भी हमें पड़ेगा उसे. ब्राजील का कैपिटल आपको पता? ब्राजील सुना है? नहीं नहीं सुना. नहीं सुना. नहीं बेटा मुझे भी नहीं पता. ब्राजील कैपिटल? ब्राजीलिया. हाँ जी. अरे सही है. इट्स ब्राजीलिया. ब्राजीलिया. ओके. ब्राजीलिया है उसका कैपिटल. वैसे 2% 20% ऑक्सीजन देता है. 20%. हाँ जी भैया को बताए. 20% या 20% है. अच्छा. कि सभी लोगों को कहना चाहिए, देश विदेश सरकार जन आंदोलन के तहत, कि उस आग को बुझाना चाहिए प्रकृति को बचाने के लिए. नहीं इससे तो पोल्यूशन बढ़ जाएगी. सही बोल. वही हमें ऑक्सीजन भी नहीं मिल पाएगा. हाँ. इससे हमारे समाज के लिए बहुत बड़ी क्षति है. देश खत्म हो जाएगा, ऑक्सीजन रहेगा ही नहीं. इस प्रॉब्लम होगी और ट्री में ज्यादा लगाने चाहिए और हर पर्सन कम से कम एक ट्री तो लगाना चाहिए पूरी लाइफ में. At present, it has to be, you know, because like the forests, we are alive because of the trees, and it's so sad to hear like people don't care about it, and yeah, we have to like give it. अगर पेड़ पौधे नहीं हैं तो आदमी जल करके मर जाएगा, बचेगा क्या? चलो बिल्कुल अच्छा लगा आपसे. Thank you. भैया अच्छा लगा मेरे के. Thank you. अच्छा लगा कि आपको थोड़ा पता है. Thank you so much. Thank you. Nice meeting you. Thank you. नहीं, ये कोई एक्टिंग नहीं कर रहे हैं, ये आप और हमारी तरह साधारण से लोग हैं. किसी के पास स्मार्टफोन है और किसी के पास नहीं. बस अंतर ये है कि किसी को नॉलेज है और किसी को बिल्कुल नहीं कि दुनिया में क्या स्थिति चल रही है. अमेज़न जंगल को लंग्स ऑफ द अर्थ और धरती का फेफड़े के नाम से भी जाना जाता है. ये साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में है. ये हमारा एशिया है और ये हमारा प्यारा भारत. और हमारे भारत से काफी हजारों किलोमीटर दूर है ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट. तो हम इंडिया की ईस्ट या वेस्ट से जर्नी स्टार्ट करें तो पहले ये आया अफ्रीकन कॉन्टिनेंट. देन वी क्रॉस दिस अटलांटिक ओशन और ये रहा साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, जहाँ ब्राजील नाम की कंट्री है. मैंने बहुत लोगों से पूछा भी था एंड मैंने डिडंट न्यू ब्राजील क्या है.
जिसको जिसको पता था उनसे ब्राजील की कैपिटल पूछी जो कि है ब्राजीलिया, उससे पहले रियो दे जनीरियो था। आई होप मेनी ऑफ यू हु आर अपडेटेड टू वर्ल्ड मैप या इंटरनेट पता होगा ऑलरेडी। So this is the Amazon rainforest. हालांकि ये 9 देशों में बटा हुआ है, पर सबसे ज्यादा हिस्सा 60% ब्राजील के पास है। इसलिए anything happen from deforestation to species extinction या any problem तो ब्राजील को बोला जाता है। कर 60% ownership of Amazon rainforest ब्राजील के पास है। Amazon produces 20% of oxygen to our earth, जो आप और हम ब्रीथ कर रहे हैं। इसमें एक कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है Amazon rainforest का। Amazon rainforest में बहुत different types की स्पीसीज भी पाई जाती है, लाइक स्नेक्स, फ्रॉग्स एक्सेट्रा, जो कि आपको दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। उसका रीजन अमेज़न रिवर है, जो कि इज द मोस्ट स्पेशलिटी अबाउट द अमेज़न रेनफॉरेस्ट। ये साउथ अमेरिका से बहती है और बहुत सी कंट्रीज को पानी प्रोवाइड करती है। नाउ आग लगी कैसे? अमेज़न फॉरेस्ट में छोटे स्केल पे आग कुछ एरियाज में लगती रहती है, ये नेचुरल फिनोमेना है। लेकिन लास्ट एक साल से लेके आज की डेट में अमेज़न रेनफॉरेस्ट में इतनी आग लग चुकी है कि आप अंतरिक्ष या स्पेस से भी देख सकते हो। वैसे वहाँ छोटी मोटी आग लगती रहती है, पर अब वो आग इतनी बढ़ गई है कि उसको रोकना इम्पॉसिबल के मुकाबले हो गया है। तो इसको रोका क्यों नहीं गया? इसका प्राइमरी रीजन जो आज के डेट में एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट ऑल्सो ब्राजील के प्रेसिडेंट जेयर बोल्सोनारो है। जब वो प्रेसिडेंट के पावर में आए थे, उसका फर्स्ट स्ट्रेटजी था कि कैसे ब्राजील को ग्लोबल इकोनॉमी पावर हाउस के रूप में कैसे प्रेजेंट करें। बेसिकली मिडिल इनकम ट्रैप में फंसे हुए थे। सो बोल्सोनारो ने ये सोचा कि जो उनके पास नेचुरल गिफ्ट है अमेज़न रेनफॉरेस्ट, क्यों ना उसका पोटेंशियल टैप किया जाए। तो उन्होंने बहुत सारी पॉलिसीज लाई जिससे ब्राजील के रहने वाले लोगों को ऑलमोस्ट खुली छूट मिल गई थी कि अमेज़न रेनफॉरेस्ट का पूरा एरिया वो कैसे भी यूज कर सकते हैं। इसके लिए बोल्सोनारो ने एनवायरमेंटल रूल्स एंड रेगुलेशंस काफी हद तक लूज कर दिया। बहुत सी एनजीओ जो डिफोरेस्टेशन को लेके प्रोटेस्ट करते हैं, उनको बैन कर दिया, ये कह के कि ब्राजील की डेवलपमेंट रोक रहा है। इन सब रीजन के वजह से वहाँ के फार्मर्स ने फायदा उठाते हुए अपनी खेती की जमीन बढ़ाने के लिए बहुत सारे अलग एरिया में आग लगाई। क्लाइमेट एंड हीट की वजह से आग फैलने लग गई। ये सब रीजन के वजह से अमेज़न रेनफॉरेस्ट में बहुत एरिया जल चुका है या अभी भी आग लगी है। ये मेजर इशू पहले वर्ल्ड वाइड डिस्कस नहीं किया जाता था, बट मीडिया अब कवरेज देने लग गई है। टॉकिंग अबाउट इंडिया, ऐसा ही बंदीपुर नेशनल पार्क ऑफ कर्नाटका स्टेट के जंगलों में भी आग लगी थी इसी साल के फरवरी 2019 में। ये आग तमिलनाडु के मदुमलाई फॉरेस्ट तक फैल गई थी, बट इट वॉज अंडर कंट्रोल एंड लेटर ऑन स्ट्रॉन्ग एक्शन भी लिया गया था। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी कैंपेन किया अगेंस्ट वाइल्ड लाइफ एंड एनवायरनमेंट, जिसमें से वेल नोन जो कि सबको पता होगा स्वच्छ भारत, क्योंकि जितना स्वच्छ रहेगा उतना हम क्लाइमेट चेंज जैसे एनवायरमेंटल इश्यूज आगे फेस नहीं करना पड़ेगा। रिसेंटली मोदी जी ने मथुरा में वन प्लास्टिक यूज के लिए स्पीच दिया, सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करें, क्योंकि यही प्लास्टिक हार्मफुल होता है एंड इट्स नॉन बायोडिग्रेडेबल। देयर इज आल्सो अ कैंपेन जहां आपको 42 रुपीस कंट्रीब्यूट करना होता है पर ट्रीज। आई लिंक दैट इन माय डिस्क्रिप्शन। तो आप भी छोटा सा स्टेप उठाइए, क्योंकि ब्राजील दूर है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हमारी जिम्मेदारी नहीं। अपने आसपास स्वच्छता रखिए, क्योंकि आपके इसी छोटे स्टेप से देश में नेचुरल डिजास्टर या क्लाइमेट चेंजेस जैसे मुश्किलों का आगे सामना ना करना पड़े। सेव ट्रीज, प्रोटेक्ट फॉरेस्ट एंड स्प्रेड अवेयरनेस एंड डोंट फॉरगेट टू क्लीन योर सराउंडिंग, कज दिस स्मॉल स्टेप विल मेक यू स्टे अवे फ्रॉम एनी अनसर्टेन इवेंट। जय हिंद। तो मुझे ये लगा कि देखिए बहुत बड़े अच्छे काम कर रहे हैं हमारे मम्मी, और स्वच्छता के ऊपर ध्यान दिया मम्मी, बहुत बढ़िया काम कर रही है।